गढ़वा जिले के रंका थाना प्रभारी को नक्सली मुठभेड़ में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स रेफर किया गया है। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा गांव के जंगल में नक्सलियों के छुपे होने की सूचना पर रंका थाना पुलिस के और रंका थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ ढेंगुरा जंगल पहुंचे और वहां पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई और काफी घंटों तक चली मुठभेड़ के बीच रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को कलाई में गोली लगी है और उनको आनन फानन में रांची रिम्स के लिए भेजा गया है। बताते चले कि थाना प्रभारी को एक गोली सीने में लगी थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण सीने की गोली असर नहीं कर पाई है, लेकिन कलाई पर लगी गोली के कारण वो घायल हुए हैं। वहीं रंका थाना पुलिस का मानना है कि दो नक्सली को मार गिराया गया है। वहीं पुलिस बॉडी को खोजने के लिए जंगल में तीन थाने के पुलिस रंका, रमकंडा, चीनिया थाना की पुलिस सर्च अभियान में लगी है। एसपी गढ़वा दीपक कुमार पांडे ने बताया कि रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को मुठभेड़ के दौरान कलाई में गोली लगी है और पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान में जुट गई। तो गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन के दौरान रंका थाना प्रभारी को गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें रांची रिम्स रेफर किया गया है और नक्सलियों की तलाश में पुलिस द्वारा सर्च अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। तो बड़ी खबर गढ़वा से आ रही है, जहां रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को गोली लगी है। नक्सलियों के साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें उन्हें कलाई में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें रांची के रिम्स रेफर किया गया है और पुलिस द्वारा नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि यह दावा किया जा रहा है कि दो नक्सलियों को इस मुठभेड़ में मार गिराया गया है, लेकिन गोली जो है वो रंका थाना प्रभारी को भी लगी है। रंका थाना पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर है, जिसमें दो नक्सलियों के मार गिराए जाने का भी दावा किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ गढ़वा से संवाददाता आकाशदीप फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। आकाशदीप, रंका थाना प्रभारी को गोली लगी है नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, बताया जाता है कि रंका थाना क्षेत्र के खुदरुम गांव में एक रात्रि में आज करीब 12 बजे रात बताया जा रहा है कि नक्सली घात बना के बैठे हुए थे 8-9 संख्या में। इसी तरह सूचना मिली थी कि सर्च अभियान चला रहा था, रंका थाना, रंकांडा थाना, चिनिया थाना सर्च अभियान चला रहा था कि नक्सली के द्वारा कुछ घातक बैठा गया है। इसी बीच में वहाँ पे वहाँ पर आया घटनास्थल पर तड़ नक्सली द्वारा गोली चला दिया गया। उसी बीच में रंका थाना भारी इधर से भी दो मुठभेड़ हुआ, तो थाना प्रभारी के दो गोली लगा, दो गोली में एक गोली सीना से लेकर बाहर निकल गया, एक गोली बाम लगा। तत्काल तो रंका सदर अस्पताल सदर अस्पताल गढ़वा, गढ़वा सीधे भेजा गया रांची रिम्स में। अभी भी थाना भारी बताया जा रहा है कि दो गोली नक्सली मार दिया गया, लेकिन नक्सली लोग के डेड बॉडी की पुष्टि नहीं किया गया है। डेड बॉडी के अभी सर्च अभियान पर जारी किया गया जंगल में पुलिस के द्वारा, अभी छानबीन तलाशी चल रहा है डेड बॉडी के लिए, नक्सली के डेड बॉडी जारी अभी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाशदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।